हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेज़ा डिज़ाइनर फ्रॉम फैशन क्रोल्स। चलिए सीखते हैं ओरे फ्रॉक की स्टिचिंग का तरीका। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग का तरीका दिखाया था और आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग का तरीका दिखाऊंगी। मैं इस अम्ब्रेला फ्रॉक का जो गला बना रही हूँ, ये मैं बॉटनेक गला बना रही हूँ और इसकी जो लेंथ है, फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, इसकी जो लेंथ है मैं 4 इंच रखती हूँ। ये मैंने बुकरम लिया है, नॉर्मल बुकरम लिया है। आप चाहें तो दूसरा जो कैनवास आता है वो भी ले सकते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैं 4 इंच ही रख रही हूँ। ये देखिए, और हम एक बॉक्स सा बना लेते हैं। इसको मैं डार्क कर देती हूं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ये इसका जो एक्स्ट्रा बुकरम है ऊपर से, हम इसको कटिंग करके एक सा कर देंगे। और फ्रेंड्स, फिर इस गले पर 1 इंच की चौड़ाई लेते हुए मार्क करते हैं। ये 1 इंच, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये गोलाई लेते हुए मैं 1 इंच पे मार्क कर रही हूं। क्योंकि बहुत ज्यादा चौड़ी पट्टी अच्छी नहीं लगती है गले में। और फिर इस निशान पर हम कटिंग कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि मैं लास्ट में देने वाली हूं आप कुछ सीक्रेट टिप्स। ये देखिए फ्रेंड्स, एक खूबसूरत सा बॉटनेक गला तैयार है। ये मैंने कपड़ा लिया है और इसमें मैंने कपड़े में जोड़ लगा दिया है बीच में, क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम था और बॉटनेक गला थोड़ा वाइड होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जोड़ लगा के लगा सकते हैं जोड़, क्योंकि ये गले की पट्टी पीछे आएगी। ये एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देते हैं। तो फोकस बनाए रखें अगर आपको अच्छे से समझना है तो।
लगा लिए फोल्ड करके। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करके बीच में फोल्ड करने के बाद बीच में एक निशान लगाएंगे, कट लगाएंगे छोटा सा। ये हमारी फ्रॉक का फ्रंट है और इसमें भी इसी तरीके से फोल्ड करके हम बीच में एक कट लगा लेते हैं। और इसको सीधी तरफ, फ्रेंड्स इसको सीधी तरफ रखेंगे और सीधी तरफ रख के और इस गले को हम उल्टी तरफ रखेंगे। इसके जो कट है लगाए हमने दोनों, उस कट को कट से मिला लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस कट को इस कट गले के कट से हमने मैच कर लिया है और इस पर हम एक सीधी सिलाई बीच में लगा लेंगे। अब हम इस सिलाई से आधे बूट की बराबर कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। अब हम इस पर छोटे छोटे से कट्स लगा लेते हैं। कट्स हम इसलिए लगाते हैं दोस्तों ताकि ये गला मुड़ने पर इसमें फ्रेशनेस आए और कोई भी झोल ना पड़े, इसलिए हम इस पे कट्स लगाते हैं। लेकिन आप सिलाई का ध्यान रखेंगे, ध्यान रखें कि सिलाई ना कटे। और अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं और नाखून से प्रेस कर लेते हैं। आप चाहे तो प्रेस ऑन करके आप प्रेस से भी इसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने नाखून से ही इसको प्रेस करके दबाऊंगी सिलाई। तैयार हुआ है, ये हमारा फ्रंट का गला तैयार हुआ है। अब हम इसकी बैक गले में पट्टी लगाएंगे। हमने इसकी चौड़ाई 4 इंच रखी थी, 4 इंच पर ही हम बैक में मार्क करते हैं और इसकी लेंथ भी हमने 4 इंच ही रखी थी। वही सेम प्रोसेस यहां भी चलेगा। चार इंच चौड़ाई और 4 इंच इसकी लंबाई, क्योंकि बोटेक गले का जो आगे पीछे का साइज होता है वो बराबर होता है, कोई फर्क नहीं होता है। ये देखिए, ये मैं ड्राफ्ट कर रही हूँ इसको, ये इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। और अब मैं इस पर कटिंग कर दूंगी।
और ये पट्टी हमने काट ली है, इसमें हम बीच में जोड़ लगाएंगे दोस्तों। और ये पट्टी में हम जब जोड़ लगाते हैं तो इसको हम इस तरीके से मिला लेते हैं, मिला के देख लेते हैं, और फिर इसको उलट देते हैं इसी डायरेक्शन में, तो ये जोड़ इसका इस तरह से लगेगा। मोड़ने के बाद इसमें एक सिलाई और, अब इस पट्टी को डबल फोल्ड करके हम गले को सीधी तरफ रख के पट्टी को फोल्ड करके इस पर हम सिलाई लगाते हैं। हम इसके देख लेते हैं इसकी नाप लेके कि ये पट्टी आ जाएगी, तो हम इस पर ज़्यादा चौड़ी पट्टी ना लेते हुए और इस पे नाखून से मैं प्रेस कर लेती हूँ, आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं। अब इसको मैं एक गले में मैंने पट्टी लगा ली है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने गले में पट्टी लगाई है और इस पे कट्स भी लगा लिए हैं। इसको मैं फोल्ड करके, फोल्ड करने के बाद इसको डबल फोल्ड करती हूँ ऐसे, और इस पे एक बारीक पकड़िया लगा दी। हमारे तैयार हुई है, इस पर आप तुरपाई भी कर सकती हैं और इस पर सिलाई भी डबल करके मार सकती हैं। मैं इस पर डबल सिलाई लगा रही हूँ। अब हम इसके कंधे जोड़ लेते हैं। इसके शोल्डर हमने दोनों जोड़ लिए हैं आपस में, एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देते हैं। और अब हम ये हमारा गला बनके तैयार हो गया है। अब हम अम्ब्रेला फ्रॉक का घेरा बनाते हैं, और सबसे पहले दोस्तों हम इसमें जो जोड़ पड़ते हैं नीचे घेरे में, उन जोड़ को अटैच कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये एक जोड़ यहाँ पड़ रहा है, ये मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ जोड़ पे। फ्रंट का जो घेरा था वो छोटा था, उसकी लेंथ
कम थी क्योंकि हम हाई और लो फ्रॉक बना रहे हैं, और बैक की जो इसकी लेंथ है वो ज़्यादा है, और इस पर भी जोड़ इसलिए बड़ा पड़ेगा क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। दोस्तों अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं घेरे को, और यहाँ पर कट लगा लेते हैं। यह हमारा नीचे का घेरा है फ्रॉक की। और हम इसको फोल्ड करके इसमें भी कट लगा लेते हैं। कट से कट को मिला के स्टिचिंग लगाते हैं। दोस्तों मैंने इसकी साइड्स की सिलाइयां लगा ली हैं, और अब मैं इसके नीचे के घेरे का हेम मोड़ देती हूँ। ये ना ज्यादा बारीक मोड़ना है, ना ज्यादा मोटा चौड़ा मोड़ना है। इसको मैं एक हाफ इंच का करीब इसको मैं मोड़ रही हूँ। ये स्लीव्स हम इसमें अटैच कर देंगे।
दोस्तों एक स्लिप मैंने जोड़ दी है, अब मैं दूसरी स्लिप से फटाफट से जोड़ देती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग का मेथड देखना है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाके उसका डेमो देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलती रहे, और लाइक करना ना भूलें क्योंकि इससे मिलता है मुझे ढेर सारा मोटिवेशन। तो अब मैं ये दूसरी स्लिप्स भी अपनी फ्रॉक में जोड़ देती हूँ और मेरी अम्ब्रेला फ्रॉक की सिलाई पूरी हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने सीक्रेट टिप पर। तो हम जब भी गला बनाएं उस पर एक सिलाई लगा लें खाली गले पे, ताकि वो बड़ा या छोटा ना हो सके। और हमारे हर वीडियो में आप देखेंगे लास्ट में एक सीक्रेट टिप जो आपको कहीं नहीं मिलेगी।